क्या आप जानते हैं नजम सेठी की बीवी का असल नाम क्या है? नजम सेठी की बीवी का ताल्लुक किस खानदान से है? नजम सेठी की बीवी शादी से पहले क्या करती थी? सहाफी, टीवी होस्ट और सियासतदान जुगनू मोहसिन के बारे में ये बात तो सबको मालूम है कि वो मशहूर सहाफी नजम सेठी की अहलिया हैं। यही नहीं बल्कि गुलुकार अली सेठी और हाल ही में शादी करने वाली अदाकारा मीरा सेठी भी इन्हीं की औलाद हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि 1959 में ओकाड़ा के सादात घराने में पैदा होने वाली जुगनू मोहसिन का असल नाम सैयदा मैमनत मोहसिन है। 1983 में नजम सेठी से शादी से कबल वो उनके मैगजीन दी फ्राइडे टाइम्स में बतौर एडिटर अपना काम करती थीं। जुगनू मोहसिन पाकिस्तान की सियासी सहाफती तारीख का जगमगाता सितारा हैं। वो फूड फॉर्म वाले मोहम्मद मोहसिन की साहबजादी, सैयद सज्जाद करमानी की भतीजी, सैयद मरातिब अली की नवासी और मारूफ सहाफी नजम सेठी साहब की अहलिया हैं। मशहूर सियासतदान सैयदा सुगरा इमाम, सैयद फखर इमाम और सैयदा आबिदा हुसैन भी इन्हीं के रिश्तेदार हैं। इस तारुफ का मकसद कतन ये बावर कराना नहीं कि जुगनू मोहसिन महज अपने आबाओ अजदाद की वजह से पहचानी जाती हैं। वो अपनी जात में एक अंजुमन हैं और ये उनकी शख्सियत का फकत एक पहलू है। जुगनू मोहसिन का आबाई गांव शेरगढ़ है, जो रिनाला खुर्द ओकाड़ा से 15 किलोमीटर परे वाके है। यहाँ वो अपने अब्बा का कायम करदा एक ट्रस्ट गुज़िश्ता 8 वर्ष से चला रही हैं। इस ट्रस्ट के जेरे साया इस वक्त 32 स्कूल काम कर रहे हैं, जिनमें 4000 बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं। वाज़े रहे कि गांव की आबादी फकत 25,000 है, लेकिन इस काविश की असल खूबसूरती जुगनू की वो रोशनी है जो उन्होंने एम्पावरमेंट की शक्ल में यहां फैलाई है। गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात में उन्होंने यूनियन काउंसिल से एक ऐसे गरीब शख्स को इंतखाब लड़वाया जो मुश्किल से 2-3 किले जमीन का मालिक था। इसके मद्दे मुकाबल रवायती पीर बरादरी के तगड़े उम्मीदवार थे, जिनके पास हुकूमती पार्टी का टिकट भी था। इसके बावजूद किला दीवान सिंह जहां छोटे से गांव के अवाम ने पीरी मुरीदी जात बरादरी की परवाह ना करते हुए गरीब आदमी को जितवा दिया, जो रवायती सियासत के मुंह पर एक तमाचा था। दूसरी यूनियन काउंसिल शेरगढ़ की थी। ये वो इलाका था जहां से जुगनू मोहसिन का अपना भतीजा एमएनए था। इसके धड़े के मुकाबले उन्होंने एक गरीब कसाई के बेटे को, जो के पढ़ लिख कर वकील बन चुका था, इलेक्शन लड़वाया और वो भी जीत गया, जबकि मद्दे मुकाबले के पास हकूमती पार्टी का टिकट था। 2018 में जुगनू मोहसिन ने ओकाड़ा में पंजाब असेंबली के हलका पीपी 184 से घड़े के इंतखाबी निशान के साथ बतौर आजाद उम्मीदवार हिस्सा लिया। उन्हें तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के मुकाबले का सामना था, लेकिन सैयदा मैमनत मोहसिन ने इलेक्शन में 62,506 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार सैयद रजा अली गिलानी रहे, जिन्होंने 41,068 वोट लिए।